सुपा का मंजर पैंगोंग लेक। और सभी में कैसी थी आपकी रात की नींद? लास्ट नाइट वी स्लेप्ट इन अ फ्रिज, इट वाज वेरी नाइस। फ्रीजर मतलब थी जो एक्सपीरियंस बहुत बुरा था, सब में गंदा एक्सपीरियंस। सिर्फ और सिर्फ खाली ये व्यू के लिए है, ये अतराफ के स्नो कैप माउंटेन्स। कल रात में हमारे समी भाई और आतिफ भाई जो खाना बनाए, अबू भाई भी, उसमें सिर्फ मेरा काम असेंबल करना था, लेकिन काम चला लिया। ऐसा ज़बरदस्त खाना बनाए कल, मीठा नहीं बन सका, एक्साइटमेंट जो था ना वो था, लेकिन इट सीरियसली रिक्वायर्स यू नो अ लॉट ऑफ गट्स टू कम हियर एंड कुक, बट वी डिड इट फ्रॉम हैदराबाद टू पैंगोंग लेक कैरिंग आवर ओन यू नो आइटम्स एंड कुकिंग हियर। सो फार इट्स अ गुड, जिसको भी माउंटेन सिकनेस या एल्टीट्यूड की प्रॉब्लम है, मेक श्योर यू कैरी सम टैबलेट्स एंड मेक श्योर यू कैरी वार्म क्लोथ्स इवन इन समर। ओके, आई विल कैच यू इन सम टाइम, वी आर अबाउट टू रीच। जो इतनी जो सांस फूल रही ना, ये हाई एल्टीट्यूड की तरफ से ऑक्सीजन मार लिया मैं। ये जो है ना, ये जो आपका ओवर कॉन्फिडेंस है ना, ऑक्सीजन मार पानी में जाए गिरना था ना। अरे लग बोल ना करे, अभी ने सही बोला, मैं खिचड़ आवाज लग जाओ चले आ रहे थे। मैंने बोल दिया ऑक्सीजन का पूरा पकड़ के 3-4 सेकंड मारा, 4 सेकंड तो दिया समय, अब तक 1 सेकंड तो दिया यहां पे आके। हां हां, कम जिंदगी में नफ्स ले तुम्हें था, फुर्ती आती कहते हैं, फुर्ती बॉडी में गर्मी आती रे भाई। उधर मारा एक डाइव, मार दे तो शर्ट पे मार। थोड़ा पीछे हटो अब, मैं कैसा हूँ यहाँ पे। हाँ, चार दिन से खाना बराबर नहीं खाया। प्लान क्या था रोजाना, क्या बोल रहे? देखो भाई, अपन नहाना नाश्ता करके सीधे काम पे जा रहे, सुबह में जल्दी नहीं उठ रहे भाई। कौन मैं बोल रहा था? अपन क्या आए थे?
जाने क्या आए थे? जाने क्या क्या देखने आए थे? जाने क्या आए थे क्या रे? सवाल सवाल समझने मेरे को भी टाइम लग गया। अपू के ऊपर रेप करना बोल गया फिर पुकारे रेप करना अपू के ऊपर पुकारा ना अबू भाई लगा टाइम से आ जा सकते थे यहाँ पे अपन कहीं को नहीं आ सके कहीं को नहीं आज अब भाई आप जानते थे कंपन जट कर ना चलो फिर अब हो गया मगर यार भाई तुम इतनी अच्छी देखो इतनी अच्छी जगह का मजा लेने नहीं दे रहे तुम देखो ना मजे लेता रे लड़िए कुत्ते बिल्लियों के साथ लड़ रहे जाओ देखे जाओ लड़ लेते रहते जाओ देखे जाओ लड़ लेते चल रहे चल अभी भी सूरता बना रहा चल जाएंगे चल अबू मजे आ रहे चलो भाई चलो चलो लेट्स गो हैविंग फन हां नाली में रुकेंगे अपन ना चले जाएंगे अपने ट्रैवलिंग ही यहां पे और कुछ दूसरी चीज है ही नहीं सही बात बोले आप सही बात बोले आपको कुछ बोलना है अरे क्या क्या रुकता है यहां पे बोल जब जाके बैठ जाता कुर्सी ला के सामने जगह से मैं आधे घंटे के बाद नफरत होना शुरू है फिर नफरत भर रहा हूं देखो इससे नफरत हो रही है अब घोड़े दो पंप पे आए गए थे गाड़ी दो पंप पे ला दिए दो टायरों पे लाए गाड़ी चला रहा हूँ मैं देख घोड़े बोल के बताया मेरे को हम घोड़ों में देख रहे थे घोड़े दोनों पैर पे आते बहुत सीट कैसा रहता नेचुरल रहता अगर आप पहाड़ देखो बोले तो दो सेकंड के बाद भी देख सकते हैं एक मिनट के बाद पहाड़ कहीं नहीं जाता दो पैर पे घोड़े आए तो चले आते दो मिनट में चले आते चले ऑलरेडी देख लिया था इसका मतलब दो पंप पे आए बोल के तो वो देख के तो घोड़े भी नहीं आते थे रुकना भाई होने का था भाई हो गया अच्छा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह सही भाई बात वो नहीं है कल अबू भाई बोले होगा ना गलती हो गई ना खत्म अपने निकालना बस कहीं भी निकाल रहा भाई फिर कुछ लोगा नहीं निकालना बोला भाई बोल सकता हूँ ठीक है भाई तू तू डील कर ले भाई हम लोग रखो ला भी और भाई से रखो कुछ हम लोग भाई जाके तू तू डील कर ले जी कैसा आइडिया दिया टायरों के नंबर अलग अलग थे सभी भाई कल टायर छोटा पड़ा था छोटा लड़ा मेरे से भैंस कर रहा है भाई एक टायर छोटा एसयूवी का छोटा टायर दिया तो इनकी मांग का तो सभी सुन हिसाबों की बात ना करो भाई नहीं जी हिसाबों की नहीं करो तो कर लेंगे भाई गाड़ी की सर्विस के भी कर लेंगे फिर गाड़ी की सर्विस मेरी गाड़ी तेरे घर पे पड़ी हुई है सा तेरी गाड़ी कहीं नहीं जा रही घर पे पड़ी हुई है अरे इमरजेंसी के वास्ते रखी हुई है जो हाल है देख रहे हो भाई कितना गाड़ी की सर्विस कितना सब कितना तुम नहीं करे तो आपको करो बोले तो तुम कर लेना था बोला रे मैं क्यों 100% कोशिश कर लिया मेरे को नहीं उठा के लेके जाता ने कागज का शेर है हम ना समझे थे वाकई में शेर निकलेगा इन्हें पित्तल का शेर निकलेगा एक पंच दो टुकड़े रहेंगे एक बार पत्थर की लकीर रहेगी बोले तो गाड़ी चला वो तो चलो बीमार होगा था कल ऐसी जगह थी ना टेरम ब्लास्ट में तो साथ तुम्हारी बीमार जगह हुआ था इन्हें होने से पहले क्या करा मॉम गाड़ी चला रहा ऐसा बैठा हुआ है पीछे बैठा हुआ है मॉम की सीट पकड़ के पीछे था सीट पकड़ के और क्या बुरा खास था भाई सभी क्या बुरा खास था अपने होना चाहिए भाई अब तुम यूज टू हो गए मेरी नहीं पड़ रही होती सांस आपकी पड़ रही सांस नहीं वो आप देख सकते हैं मैं खुद ही सांस से बात नहीं कर रहा सांस खराब करने के लिए
नंदो अब ऑटो नक को तो हां 1 लीटर कैरी बैग योर शिट एंड थ्रो इट इन अ डस्टबिन ओके जनेश में जा रही क्या नजारा है रे भाई यहां से गाड़ी